यूज ऑफ फॉर ऑब्लिक सिंस फॉर ऑब्लिक टू। फॉर का और टू का दोनों का अर्थ होता है के लिए। फॉर प्लस, ध्यान से देखिएगा, फॉर प्लस नाउन होगा या प्रनाउन होगा, जबकि टू प्लस वर्ब का पहला रूप होगा। फिर मिला लीजिए फॉर या टू, फॉर या टू, फॉर प्लस या टू। फॉर के दोनों का मीनिंग होता है के लिए। फॉर प्लस नाउन या प्रनाउन, टू प्लस वर्ब का कौन रूप आएगा? पहला रूप आएगा। वो मेरे लिए कलम खरीदा। तो ही बॉट ए पेन फॉर मी। वो पढ़ने के लिए यहाँ आता है। ही कम्स हियर टू रीड। ये वर्ब का पहला रूप है इसलिए यहाँ टू लगा। ये प्रनाउन है, फॉर लगा। वो रोहित के लिए काम करता है। ही वर्क्स फॉर रोहित। रोहित नाउन है। तो आप देख लो यूज ऑफ टू और फॉर और टू, टू फॉर या टू, फॉर प्लस नाउन या प्रनाउन, टू प्लस वर्ब का कौन रूप आएगा? पहला। वो मेरे लिए कलम खरीदा। ही बॉट ए पेन फॉर मी। वो पढ़ने के लिए आता है। ही कम्स हियर टू रीड। वो रोहित के लिए काम करता है। ही वर्क्स फॉर रोहित। वो मेरे लिए कलम खरीदा। तो ही बॉट ए पेन फॉर मी। वो पढ़ने के लिए यहाँ आता है। ही कम्स हियर टू रीड। वो रोहित के लिए काम करता है। ही वर्क्स फॉर रोहित। स्पेशल यूज ऑफ फॉर। फॉर से विनिमय का बोध होता है। इसका अर्थ होता है एक्सचेंज। जैसे वह 5 रुपया में कलम खरीदा। ही बॉट ए पेन फॉर ₹5। वो 2000 में एक मोबाइल बेचा। ही सोल्ड ए मोबाइल सेट फॉर
इस तरह से फॉर का अर्थ हो गया विनिमय के में, दूसरा अर्थ होता है फॉर का अर्थ होता है के बदले में, के बदले में होता है। जैसे ए वर्ड फॉर नाउन इज कॉल्ड ए प्रोनाउन, ही वर्क्स फॉर मी, मेरे बदले में काम करता है। यूज ऑफ टू ऑब्लिक इन, दोनों का अर्थ होता है मे। देखिए यहाँ पर स्पष्ट रूप से देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर कीजिए, और देखिए कैसे जो है बेहतर ढंग से यहाँ पढ़ाई हो रही है। ये मान लीजिए कोई मानचित्र है, ये आपका जो है ये आपका वेस्ट हो गया, ये आपका ईस्ट हो गया, नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया। यहाँ पर कोई चीज़ है, यहाँ पर है, फिर यहाँ पर है, यहाँ पर है, ये वेस्ट में है, नॉर्थ में है, ये ईस्ट में है, ये साउथ में है, दोनों। देखिए यह इसका हिस्सा है या इसका हिस्सा नहीं है, तो जो हिस्सा है उसके लिए इन का प्रयोग होगा, जो बाहर है इसके लिए टू लगेगा, जैसे बाहर है इन लगेगा, इसके लिए टू लगेगा, और इसके लिए क्या लगेगा, इन लगेगा। ये बाहर भीतर है इन लगेगा, इसके लिए क्या लगेगा, टू लगेगा, इसके लिए इन लगेगा, इसके लिए क्या लगेगा, टू लगेगा। इस मानचित्र को बना लीजिए और स्पष्ट से समझ लीजिए। आई यूज ऑफ टू और इन है, टू और इन दोनों का अर्थ होता है में। नॉर्थ का ऊपर से बना लीजिए, नॉर्थ में जो बाहर है एक अंदर है, बाहर के लिए टू लगेगा, अंदर के लिए इन लगेगा। वेस्ट में बाहर है उसके लिए टू लगेगा, अंदर के लिए इन लगेगा। साउथ में अंदर है उसके लिए इन लगेगा, बाहर है टू लगेगा।
एग्जाम्पल्स देखिए यहाँ पर, श्रीलंका भारत के दक्षिण में है, तो श्रीलंका इज टू द साउथ ऑफ इंडिया, चेन्नई भारत के दक्षिण में है, चेन्नई इज टू द टू नहीं यहाँ इन लगेगा, इन द साउथ ऑफ इंडिया, नेपाल भारत के उत्तर में है, नेपाल भारत का हिस्सा नहीं है, तो नेपाल इज टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया। चलिए आगे देखिए, यूज ऑफ ऑन, पहला दिन के नाम के पहले ऑन का प्रयोग होता है, ऑन इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ ए डे, वो रविवार को यहाँ आया, ऑन प्लस ए डेज नेम, वो रविवार को यहाँ आया, तो ही केम हियर ऑन संडे, मैं सोमवार को पटना जाऊंगा, आई शैल गो पटना ऑन मंडे,
अगला दो नंबर, तारीख के नाम के पहले ऑन का प्रयोग होता है। देखिए कोई भी तारीख होगा, कोई भी डेट होगा, उससे पहले कौन सी लिखिएगा? ऑन। ऑन प्लस ए डेट्स नेम, ये आपका स्ट्रक्चर हो गया। तारीख के नाम के पहले हमेशा ऑन दीजिएगा। जैसे इंडिया बिकेम फ्री, फ्री ऑन 15th अगस्त 1947। आई वॉज बॉर्न ऑन 7th मार्च 2001। तीसरा, ऑन का प्रयोग किसी चीज के वर्तमान स्थिति को बताने के लिए होता है। जैसे यह घर बिक्री का है, दिस हाउस इज ऑन सेल, हम लोग ड्यूटी पर काम पर हैं। वी आर ऑन वर्क, ऑन ड्यूटी। वे लोग हड़ताल पर हैं। दे आर ऑन स्ट्राइक। दैट हाउस वाज ऑन फायर। चाल कर दो बहू, घबरा गया है। आने लगा। यूज ऑफ ऑन, चार नंबर देखिए, ऑन प्लस द नेम ऑफ ऑन प्लस द प्लस मॉर्निंग इवनिंग नून आफ्टरनून डाउन
मिडनाइट प्लस ऑफ प्लस ए डेज नेम वह सोमवार के सुबह में यहाँ आया। वह सोमवार के सुबह में यहाँ आया। तो ही केम हेयर ऑन द मॉर्निंग ऑफ मंडे। मैं रविवार के रात में वहाँ जाऊँगा, पटना जाऊँगा। आई शैल गो टू पटना ऑन द नाइट ऑफ संडे। शुक्रवार के भोर में वर्षा हुई। इट रेन्ड ऑन द डाउन ऑफ फ्राइडे। स्पष्ट समझ लीजिए, इस चार्ट को लिख लीजिए। ऑन प्लस द प्लस मॉर्निंग इवनिंग नून आफ्टरनून डाउन मिडनाइट प्लस ऑफ प्लस ए डेज नेम। एग्जाम्पल्स है, वह सोमवार के सुबह में आया। ही केम हेयर ऑन द मॉर्निंग ऑफ मंडे। मैं रविवार के रात में पटना जाऊंगा। आई शैल गो टू पटना ऑन द नाइट ऑफ संडे। और शुक्रवार के भोर में वर्षा हुई। इट रेन्ड ऑन द डाउन ऑफ फ्राइडे। Use of after or behind, दोनों का अर्थ होता है के पीछे। After से मोशन का बोध होता है, गति का। जब गति रहेगा तो आफ्टर लगाइएगा। बिहाइंड से मोशनलेस, गतिविहीन। स्थिरता का बोध होता है, स्टेबिलिटी का बोध होता है। जैसे वो मेरे पीछे पीछे आया। He came after me, यह गति है। वह मेरे पीछे खड़ा था, वहाँ गति नहीं है।
पीछे बैठा था. ही वॉज सीटिंग बिहाइंड मी. पुलिस पोस्ट चोर के पीछे दौड़ी. दौड़ी द थीफ रैन आफ्टर. यहाँ द पुलिस लिखिए. रैन आफ्टर द थीफ. मेरे घर के पीछे एक कुआं है. देयर इज ए वेल बिहाइंड माई हाउस. इस तरह से आप देख सकते हैं यूज ऑफ आफ्टर और बिहाइंड के पीछे. आफ्टर का मतलब मोशन गति, बिहाइंड का मोशनलेस गतिविहीन. वो मेरे पीछे पीछे आया. ही केम आफ्टर मी. वो मेरे पीछे बैठा था. ही वॉज सिटिंग बिहाइंड मी. पुलिस चोर के पीछे दौड़ी. द पुलिस रैन आफ्टर द थीफ. देयर इज ए वेल बिहाइंड माई हाउस. मेरे घर के पीछे एक कुआं है. यूज ऑफ बेसाइड और बाय. दोनों का अर्थ होता है बगल बगल से या बगल में. बेसाइड का प्रयोग मोशनलेस रेस्ट की अवस्था में. रेस्ट या मोशनलेस गतिविहीन. बाई का मतलब हो गया मोशन गति. वह मेरे बगल से गुजरा. वह मेरे बगल से गुजरा. देखिए यहाँ पर गति है तो ही पास्ट बाय मी. वो मेरे बगल में बैठी थी. सी वाज सिटिंग बेसाइड मी. चोर पुलिस के बगल से भाग गई. भाग गया. द थीफ रैन बाय द पुलिस. हेलो फ्रेंड्स. हेलो स्टूडेंट्स. ये प्रीपोजिशन एक डिफिकल्ट चैप्टर है, इसलिए हम धीरे धीरे और थोड़ा थोड़ा पढ़ाएंगे.
जितना पढ़ाई होती है उसको कवर कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और लड़कों को बताइए, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब बढ़ेगा तो आप लोगों के लिए फ़ायदा होगा, मेरे लिए भी फ़ायदा होगा। कितना व्यूअर है?